Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? So guys, हम लोग दिल्ली वापस आ गए हैं और बड़ी थकान हो रखी है यार. आंखें खुल ही नहीं रही हैं. 10 बज गया है और अभी आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उठते हैं और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो चलिए उठ जाते हैं. So guys, आप हम लोग क्या करेंगे यार, घर में कोई भी नहीं है. अचल ऑफिस चले गए हैं, राघव अपने घर चला गया है, सिर्फ मिला जुला कर बचे हैं हम तीन लोग, मैं, देव और अचल. तो उसमें अचल ऑफिस जा चुके हैं, मैं और देवी बचे हैं. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा ये ब्लॉग आज का. कैसे भी सरकार शिक्षक कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग की रफ्तार. तो दोस्तों आज का सीन ऐसा है कि सो गाइस, नहाना धोना अब हो चुका है. तो अब हम आ गए हैं अपने इधर दूसरे कमरे में, जहाँ पे आपको पता है मेरी सारी चीजें, जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक का सामान रहता है. तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ. एक्चुअली आपको पता होगा कि अभी हम लोग बरेली गए थे, तो हमारे यहाँ बरेली में जो है थोक की मार्केट्स बहुत ज्यादा हैं. तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई चीज लेने गए हैं, अगर वो उसका MRP प्राइस उस पर 250-300 रुपए पड़ा है, तो वो हमको 250 वाली चीज शायद 200 में भी मिल जाए और 300 वाली शायद 250 में भी मिल जाए. तो ऐसा नहीं है कि वो डुप्लीकेट होते हैं, लोकल होती है, बस वो थोक की मार्केट होती है, तो हमको वो कुछ छूट के साथ में मिल जाती है. तो इसीलिए मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर हमेशा जाती हूँ. मेरा सारा प्रोडक्ट जो है वो उसी से आता है. तो हम लोग हमेशा वहीं से लाते हैं. तो मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ, रिव्यू दूंगी और प्लस उसे अप्लाई करके दिखाऊंगी. तो चलिए लेट्स कंटिन्यू. सो गाइस, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. अब पहले मैं आपको मेरे सारे प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, मैं कितने में लाई हूँ, और फिर उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे. ओके, तो चलिए पहले सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमर से. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये है मेरा प्राइमर, मेकअप भारत का मेकअप प्राइमर है, बट इसके नाम पर मत जाइए, इसकी खूबी पर जाइए. तो चलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो गाइस, इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स, ये जेल फॉर्म में है और बहुत ही स्मूथ है. सबसे अच्छी बात है इसकी कि स्मूथ बहुत है. बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जेल फॉर्म में है, जो स्किन में बिल्कुल अच्छे से इवनली एब्जॉर्ब हो गया है. तो उसके बाद अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन की. तो मैं फाउंडेशन में ये लाई हूँ फॉरएवर का अंडर कवरेज, 24 आवर्स फुल कवरेज. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये डियोर का फॉरएवर अंडर कवर है, 24 आवर्स फुल कवरेज, और ये मात्र मुझे 200 रुपये में पड़ा है. चलिए अब मैं आपको इसे अप्लाई करके इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स. चाहे भी तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं अपना कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट से थोड़ा, जैसे अभी ये ग्लॉसी है, कॉम्पैक्ट लगाने पर थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है, और मुझे नॉर्मली ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे ये ऐसा ही स्मूथ टेक्सचर में पसंद है. तो गाइस देख सकते हैं आप, तो फाइनली नॉर्मली मेरा मेकअप इतना ही होता है. तो उसके बाद अब हम करेंगे, ये मैं ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल लाई हूँ. मुझे आईब्रो पेंसिल ब्लैक कलर की पसंद है, बट बहुत ही
रेयर, मुझे ब्राउन कलर की जो पेंसिल होती है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल लुक देती है आईब्रोज के लिए, तो मैं रेगुलरली जो इस्तेमाल करती हूँ वो इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे मात्र पड़ी है, मात्र 60 रुपीज़ की पेंसिल पड़ी है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ब्रशेज हैं जिसे कभी नहीं कहीं मिक्सचर पर, तो आप इसको ऐसे इस तरह से बस। अब इसके बाद मैंने ये ब्रश भी लिया था, मुझे उसने बताया था कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको स्किन मतलब फाउंडेशन वगैरह आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, तो मतलब एक स्मूथ टेक्सचर ये दे देता है ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुझे मात्र 40 रुपीज़ का पड़ा है, और ये फोडा ब्यूटी का है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका ये यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा इस समय, ये फोडा ब्यूटी का है, तो ये मुझे मात्र 40-45 रुपये का पड़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैट लिपस्टिक, ये मुझे मैंने ली है, ये स्विस ब्यूटी की है, हाँ ये स्विस ब्यूटी की ली है, और ये मुझे 150 रुपये की पड़ी है। वैसे मैं घर पे हमेशा न्यूड कलर्स ही लगाती हूँ जब आप मेकअप वगैरह वीडियो वगैरह बनाती हूँ, लेकिन लगी है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका स्पेशल रिव्यू आपको दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फ़ोन में बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने अपना सेटअप चेंज कर दिया है, अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। और हाँ, तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम बात कर रहे थे स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक के बारे में। सो गाइस, इसके लिए बस यही है कि इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने से पहले आपको कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। सो ये तो हो गया, अब इसके बाद हम आते हैं आईलाइनर पर। मैंने ये आईलाइनर लिया है, ये मेवन का ग्लैम स्टॉक है, ये ब्लू कलर का है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का लाइनर है, और ये पेन फॉर्म में है, मतलब मुझे और आपको सीरियसली बताओ दोस्तों तो मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लगाने में। हालांकि हमारा ब्रश वाला लाइनर भी अच्छा होता है, बट मैं इसे इजीली लगा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। लग चुका है, हालांकि
कि ये तो आपको पहले से ही पता है मेरे पास आई व्यू पेंसिल है, तो चलिए अब काजल भी लगा ही लेते हैं क्योंकि मुझे ये ग्रीन कलर का बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस घर में इतना ही पसंद है, बल्कि मैं घर में इससे भी कम मेकअप करती हूँ क्योंकि घर में कहाँ जाना है, बट हाँ रेडी रहना चाहिए। ये मेरा हमेशा का वो मोटिव होता है, हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि घर में रहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही नॉर्मल घूमिए, थोड़ा बहुत मेकअप रहना चाहिए क्योंकि मेकअप करने से कॉन्फिडेंस रहता है। सो नाउ वी आर रेडी, यू कैन सी रेडी, तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं इसी के साथ में किचन में, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, भूख बहुत जोर से लगी है, तो लेट्स गो। सो गाइस अब हम किचन में आ गए हैं और अब हम बनाने जाने हैं ब्रेकफास्ट में मसाला ओट्स। हालांकि ये तो रेडी टू ईट वाले होते हैं कि बस गर्म पानी किया, उसमें इनको डाल के बॉईल किया और थोड़ी देर में जब पक गए तो उतार के सर्व करके खा लिया। तो हम इन्हें बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें फिर भी थोड़ी सी वेजीज अपनी तरफ से डालेंगे ये कट करके, क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा अलग से आता है। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। सो गाइज मेरा और देव का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, हमने अपने लोट्स बना लिए हैं और मैंगो कट कर लिए हैं, तो चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइज नाश्ता वास्ता तो हो गया है, लेकिन एक बहुत ही सही है क्योंकि जो है अचल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि अचल सेफ है, अचल बिल्कुल सही है, बट गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है और अचल घर वापस आ रहा है, देखते हैं क्या होता है फिर आपको बताते हैं, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। सो गाइस अचल इज एब्सोल्युटली फाइन, घर आ गए हैं, ठीक है, गाड़ी का नुकसान ज़्यादा हो गया बट सोके गाड़ी गई कोई बात नहीं, इंसान सुरक्षित होना चाहिए, अचल सुरक्षित है, मेरे लिए यही बहुत है। और इसी के साथ हम आज का ये ब्लॉग अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।